तो दोस्तों हमारा है ब्लॉग जो है फेस करने के लिए गैलरी पर चढ़ गया है। ठीक है दोस्तों हमारा ब्लॉग फेस के लिए तैयार। जो हम लोग डेंजर प्लॉट है उसी का ब्लॉक है तो हम लोग देख कर लेकर के आए हुए हैं। इसका है तो ब्लॉक दोनों फेस हुआ है तो हो चुका है ब्लॉक फेस हो रहा है। देखिए दोस्तों हम लोगों का ब्लॉग कितना आउट है, देखिए इस जगह देखिए और यहाँ देखिए देखिए इस जगह देखिए और यहाँ देखिए कितना ब्लॉग आउट है। इसी कारण मोबाइल पानी एक हुआ था। देखिए दोस्तों हमारा ब्लॉग फेस हो रहा है। आधुनिक मशीन से टेस्ट किया जा रहा है। और दोस्तों फाइनली हमारा ब्लॉग फेस हो गया है, देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से। और अब हम लोग इसको क्रैंक लगा करके मेन बीकन मिलाने का प्रोसेस होगा। और देखिए दोस्तों हमारा ब्लॉग पूरा अच्छी तरह से साफ हो चुका है और अब इसको सर्विस सेंटर पर ले जाने का ब्लॉक धुल गया है तेल से। ये रहा हमारा क्रैंक। हालांकि हम लोगों ने साफ क्रैंक हम लोगों ने साफ कर दिए हैं बिल्कुल एक बार फाइनल तेल मार करके और इसको सर्विस पर लेकर के जाएंगे और फिर इसको धुला करके पेट्रोल से धो करके या फिर इसको फिटिंग करने का हम लोग शुरू। बनियान बना रहे साफ कहाँ आ रहा है? अब धूपा है, अब कितना साफ हो गई DSLR है का। Thank you.
लट के रख। कर लो कर कर ना कर देखो दोस्तों, इंजन को लाए हैं वॉशिंग पर और कितना प्रेशर है इसमें। बना दो तो सुन ला दोस्तों, हमारा वॉशिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। चलो ओ हेलो आइए दोस्तों, हमारा देखिए XL6 का इंजन वॉशिंग पर से आ गया है पूरा अच्छी तरह से धो करके। फिर हम लोगों ने देखिए इधर दिखलाओ, पेट्रोल से हम लोगों ने पहले वॉश किया है। वॉश करने के बाद बढ़िया से साफ करके मोबिल वोबिल लगा करके और अब हम अपना क्रैंक इस पर बैठाएंगे। तो देखिए हमारा दोस्तों क्रैंक हमारा बैठ गया है और इंजन में सबसे जरूरी चीज होता है साफ सफाई। साफ सफाई जितना कीजिएगा उतना आपका इंजन का लाइफ लंबा चलेगा। और हम लोग साफ सफाई करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। कट दिए और देख लीजिए हमारा क्रैंक बैठ गया है बस। और ये हमारा थ्रस्ट वॉशर है और थ्रस्ट वॉशर हम लोग
के सर्विसिंग पर ले जाके सबमिट। इंजन के मेन तो भगवानपुर से आ गए कि भगवानपुरे हैं। ठीक है तो आइए, ठीक है दूंगा क्या, और जो गा रखिएगा। हेलो बाद में, हाँ दूर दिन के बाद जाने के बाद। देखिए दोस्तों, अब प्रॉपरली हमारा इंजन चढ़ गया है और इंजन चढ़ा करके हम लोगों ने हेड उड सब टाइट कर लिया है। अब जो टाइमिंग इसको बांधना है तो टाइमिंग बांध करके बैटरी लगा करके और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए कितना क्लीन, कितना साफ, और हमारा इंजन ऐसे ही बांधा जाता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। तो आप लोग भी जब भी इंजन बांधे तो इंजन की सफाई अच्छी तरह से करें। और हम लोगों ने नया एडजस्टर ओरिजिनल मारुति का टाइमिंग चेन ओरिजिनल मारुति का मंगवाया है। अच्छा
देखिए दोस्तों, फाइनली मेरा इंजन पूरा कंप्लीट हो गया है। इंजन ऑयल हम लोगों ने डाल दिया है, बैटरी लगा दिया है और अब गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। पहले पानी डाल लेते हैं रेडिएटर में। अभी हम लोग पानी पर इसको स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ देर चलाने के बाद इसमें कूलेंट डालेंगे, क्योंकि रेडिएटर में हीमोग्लोबिन चला गया था। और अब हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। सब कुछ में रह के दोस्तों हमारा गाड़ी हो गया स्टार्ट और पानी भी देखिए बिल्कुल नहीं उबाल रहा है। और देखिए दोस्तों, इंजन ऑयल मेरा आ गया है बिल्कुल। और हमारे ओडोमीटर में भी कुछ ऐसा सिग्नल नहीं है, आरपीएम भी बिल्कुल नॉर्मल। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा एक्सएल 6 का इंजन स्टार्ट हो गया और अब इसका बाहर का हेडलाइट बम्पर वगैरह फिट करके गाड़ी को 6 घंटा स्टार्ट रखेंगे और मेरे कस्टमर को डिलीवर देंगे, ट्रायल भी करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे रेडिएटर का पानी बिल्कुल, जब गाड़ी आई थी तो हम लोग सेल्फ मार रहे थे तो पानी रेडिएटर से बहुत बाहर फेंक रहा था। और अभी देखिए, हम लोगों ने हेड ब्लॉक फेस पूरा इंजन किया। और दोस्तों एक बात था कि कोई मैकेनिक था, इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो वाल्व को निकाल करके हटा दिया था ताकि गाड़ी ओवरहीट नहीं करे। मेरा कहना है कि उस थर्मोस्टेट वाल्व से गाड़ी हीट होने का कोई रीज़न होता नहीं है, बहुत रियर केस में होता है, इसलिए उसको कभी नहीं निकाला कीजिए। तब तक लगाओ। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक्सएल 6 का इंजन फुल ओवरऑल। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।